हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करना करने जा रहे हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए, जिसका नाम है श्योर 500। इसमें हम लोग 500 क्वालिटी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और ये एमसीक्यूज जो हैं ये सारे के सारे करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। ये जो 500 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं, इनको हमने 50 पार्ट्स में बांट रखा है। हर पार्ट में 10 MCQs होंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और हर पार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोटेड होगा। एक चीज जरूर फिर से बोलना चाहूंगा कि ये सारे के सारे MCQs जो हैं पूरी तरह से करंट ओरिएंटेड हैं, और हमारा जो एग्जाम है यूपीएससी प्रीलिम्स, वो भी आप बहुत अच्छे समझते होंगे, वो काफी हद तक करंट ओरिएंटेड ही है। तो अगर आपने अच्छे से ये 500 MCQs अगर किए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिनिमम एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन आपको हमारा जो प्रेडिक्शन है वो शायद मिलेंगे, या तो सीधे सीधे इससे जुड़े हुए, नहीं तो कुछ यहाँ से कहीं ना कहीं उसका लिंक जरूर आपको मिलेगा उससे। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम पार्ट वन, और पार्ट वन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो है आज हमारे लिए इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एक चीज आपको पहले ही बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये शुरू के जो चार क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, और जानबूझ के मैंने ये चारों क्वेश्चन आपके सामने एक साथ पुटअप किया है। ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है इसमें कहीं ना कहीं आपको इंडियन ओशन का जिक्र मिलेगा, है ना। तो ध्यान से ये भी देखते जाइएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस शब्द यूज किया गया है। पहला स्टेटमेंट है इनिशिएटेड बाय इंडियन फाउंडेशन, और दूसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट अबू धाबी UAE। तो ये दो स्टेटमेंट है, उसके बाद पूछा गया है कौन से इनमें से सही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस क्या है वो देख लेते हैं। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस क्या है, एक एनुअल एफर्ट है। तो सबसे पहले याद रखने वाली क्या चीज है कि ये सालाना होता है, एनुअली होता है। इसमें कौन आता है, टू ब्रिंग टुगेदर हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स। इसमें अक्सर आप लोग समिट लेवल पे जो लोग होते हैं, मतलब जो एपेक्स गवर्नमेंट्स में है ना, हेड ऑफ स्टेट, वो आते हैं, मिनिस्टर्स कुछ आते हैं, कुछ चिंतक विचारक या जिनको हम लोग थॉट लीडर्स बोल रहे हैं, वो स्कॉलर्स, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और प्रैक्टिशनर्स। इसका मतलब है कि मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आप इसमें बोल सकते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, इंडिया फाउंडेशन ने, इनिशिएटेड बाय इंडियन फाउंडेशन, है ना। अलोंग विद इट्स पार्टनर्स, इनके पार्टनर्स कौन कौन से थे, कहाँ से थे, सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसके अलावा और हमें क्या चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये पहली पहली बार कब हुआ था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2016 में। पांचवा कॉन्फ्रेंस जो कि हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया है, वो कब हुआ, 2021 में। थीम ऑफ IOC 2021 क्या था, मतलब जो पांचवा कॉन्फ्रेंस था उसका थीम क्या था, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि थीम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहला एनुअली होता है, दूसरा इसमें कौन कौन लोग आते हैं, तीसरा इंडिया फाउंडेशन, चौथा फर्स्ट पहली बार कब हुआ था, 2016, पांचवा भी रिसेंट कहां पे हुआ, 2021 में, कब हुआ 2021 में, थीम क्या था, इकोलॉजी, इकोनॉमी और एपिडेमिक। और वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, इनिशिएटेड बाय इंडिया फाउंडेशन, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ, अबू धाबी, ये भी सही है। इसको भी याद कर लीजिएगा कि पांचवा जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी 2021 लास्ट में, वो कहां पे हुआ था, अबू धाबी UAE में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग क्वेश्चन किसके बारे में कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस लिखा है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमसे कॉन्फ्रेंस था, अब की देखिएगा इंडियन ओशन, अब की क्या बोला जा रहा है, डायलॉग। तो पहले क्वेश्चन में कॉन्फ्रेंस लिखा था, अब की डायलॉग लिखा है। क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डायलॉग। सबसे पहला बोला, इट इज अ प्रीमियर ट्रैक 1.5 फोरम फॉर ओपन एंड फ्री फ्लोइंग डायलॉग अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। दूसरा बोला गया, रिसेंटली UAE होस्टेड द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन डायलॉग अंडर द थीम पोस्ट पेंडेमिक इंडियन ओशन लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन IORA मेंबर स्टेट्स। उसके बाद हमसे पूछा गया, भैया इसमें से कौन कौन सा इनकरेक्ट है बताओ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंडियन ओशन डायलॉग के बारे में थोड़ा सा। इंडियन ओशन डायलॉग क्या है, प्रीमियर ट्रैक 1.5 फोरम फॉर
ओपन एंड फ्री फ्लोइंग डायलॉग एमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग शिरकत करते हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो स्कॉलर्स हैं, है ना, एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, एंड पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, थिंक टैंक्स और सिविल सोसाइटीज। ठीक है, इस तरह के लोग इसमें शिरकत करते हैं। इंडिया हैज होस्टेड द फर्स्ट एंड सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओशन डायलॉग इन केरला एंड न्यू दिल्ली इन सितंबर 14 एंड दिसंबर 19 रिस्पेक्टिवली। इंडिया ने दो बार पहले भी ये इसको होस्ट किया हुआ है। ठीक है, एक बार 2014 में, उसके बाद 2016 में। इसके अलावा जो सेवेंथ हुआ था, सेवेंथ क्वेश्चन आपसे एट्थ पे है ना, इसमें सेवेंथ की बात की गई है। लास्ट सेवेंथ इंडियन ओशन डायलॉग ये कहाँ पे हुआ था, यूएई में। ठीक है, ये यूएई में हुआ था, कौन सा, सेवेंथ। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एट्थ पे। ये देखिए, रिसेंटली यूएई होस्टेड द एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओशन डायलॉग। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि जो एट्थ वाला है, ये एट्थ एडिशन, ये कहां पे हुआ या किसने होस्ट किया, ये होस्ट किया था इंडिया ने। ठीक है, इज इट क्लियर, इसको याद रखिएगा, है ना। थीम वही है जो इसमें लिखा है, थीम एकदम सही लिखा है, पोस्ट पेंडेमिक इंडियन ओशन लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन IORA मेंबर स्टेट्स। सिर्फ बदला क्या है मैंने, बदला है यूएई होस्टेड, है ना, तो ये गलत है, यूएई ने नहीं होस्ट किया बल्कि इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इंडिया होस्टेड द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन डायलॉग अंडर द थीम, है ना, वर्चुअली ऑन 15th December 2021। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब की देखिएगा, इंडियन ओशन वैसे ही का वैसे ही है, लेकिन अब की क्या पूछा गया है, रिम एसोसिएशन, IORA। ठीक, अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा इन चारों में से इनकरेक्ट है, आपको कौन सा गलत है ये बताना है। इट वॉज प्रीवियसली नेम्ड इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव। दूसरा है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तीसरा है, करंटली इट हैज 12 मेंबर स्टेट्स। और चौथा, इट इज अ रीजनल ट्राइब पैराटाइट फोरम दैट गैदर्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एकेडमिया, बिजनेस लीडर्स फॉर एनकरेजिंग कोऑपरेशन एंड ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले IORA क्या है वो देख लेते हैं। तो IORA क्या है, IORA वॉज फॉर्मड इन मार्च 1997, सबसे पहली चीज। Currently it has 23 member states, दूसरी चीज, ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद वापस आते हैं क्वेश्चन पे, ये क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है कि इट वॉज प्रीवियसली नेम्ड द इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि आज की डेट में जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है उसका पहले का नाम था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव, और सिर्फ यही नहीं, एक और पहले इसका नाम था, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका एक और नाम। तो इसका मतलब कुल टोटल तीन नाम हो गया, है ना। तीन में जो सबसे अभी का जो लेटेस्ट नाम है वो क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। करेंटली इट हैज 12 मेंबर स्टेट्स, ये गलत हो गया क्योंकि अभी अभी हमने देखा था पीछे क्या लिखा था, 23 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, मिल गया हमें सी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी देख लीजिए IORA में और क्या आपको जानना है, कि इट इज अ रीजनल ट्राइपैरेटाइट फोरम दैट गैदर्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एकेडमिया एंड बिजनेस लीडर्स। ट्राइपैरेटाइट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें तीन तरह के लोग आ रहे हैं। सबसे पहला कौन है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरे कौन है, एकेडमिक्स के लोग या एकेडमिया के लोग, और तीसरे कौन आ रहे हैं, बिजनेस लीडर्स। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा इंडियन ओशन से रिलेटेड है, जो मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अब की हमें क्या बोला गया है, नेवल सिंपोजियम ये लिखा हुआ है, मतलब इनकरेक्ट बताना है हमें विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, IONS। सबसे पहला, लॉन्च्ड इन 2008। IONS क्या है, इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरिटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। दूसरा बोला गया है, 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हेल्ड एट कोची। और तीसरा लिखा गया, इंडियन एंड पाकिस्तान आर मेंबर्स और IONS इंक्लूड 24 नेशन। से चार हमारे सामने स्टेटमेंट्स दिए गए। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हेल्ड एट रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड की बात की जा रही है, हमसे ऑप्शन में क्या लिखा गया था, हेल्ड एट कोची, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी जितने भी स्टेटमेंट है सारे सही हैं, तो कि यहाँ से रिवीजन कर लीजिए आप। सबसे पहला क्या याद करना, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट याद करेंगे कि ये 2008 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या याद करना, इट इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव।
तीसरा क्या हमें ध्यान में रखना है, ये क्या करने की कोशिश करता है, तो इंक्रीज मैरिटाइम कोऑपरेशन। ठीक, इसके अलावा किसके, मैरिटाइम कोऑपरेशन किसके बीच में, तो हम लोग बोलेंगे एमंग द नेवीज। ठीक है, किसकी नेवीज आखिर, किसकी नेवीज, तो नेवीज किसकी, तो लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, मतलब इंडियन ओशन के किनारे किनारे जितने भी देश हैं उनकी जो नेवीज हैं उनके मध्य या उनके बीच जो मैरिटाइम कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट हमने देख ही लिया है, ये कोच्चि में नहीं बल्कि रीयूनियन आइलैंड में हुआ था 7th एडिशन। तीसरा देखिएगा, इंडियन पाकिस्तान आर मेंबर्स, एकदम सही है, और IONS इंक्लूड्स 24 नेशंस। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ आंसर में भी हमें कुछ यहाँ पे अलग से मिल जा रहा है, एक्सप्लेनेशन में कुछ दूसरे पॉइंट्स देखिएगा कि यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान आर मेंबर्स वाइल चाइना एंड रशिया आर ऑब्जर्वर कंट्रीज। यहाँ पे चाइना और रशिया जो है ये ऑब्जर्वर देश है। चलते हैं पांचवे क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, जिसको हम लोग CEE 17+1 इनिशिएटिव बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि 17+1 इनिशिएटिव क्या है या CEE 17+1 इनिशिएटिव क्या है। तो सबसे पहले लिखा है इनिशिएटिव इंक्लूड्स 12 EU member states, 5 Balkan states एंड चाइना, सबसे पहले ये लिखा है। दूसरा लिखा है रिसेंटली लातविया पुल्ड आउट ऑफ 17+1 मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से जो लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे वो समझ भी गए होंगे, बेसिकली यहाँ पे गलत क्या है, सेकंड वाला, लातविया नहीं बल्कि कौन बाहर आ गया, लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया बाहर आया था, है ना, लिथुआनिया पुल्स आउट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप CEE 17+1 मैकेनिज्म। क्या हुआ था उस समय, तो वो जान लेते हैं कि टेंशंस बिटवीन चाइना एंड लिथुआनिया हैव बीन बिल्डिंग अप ओवर अ नंबर ऑफ इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज थे दोनों के बीच में, तो लिथुआनियाज न्यू टाइज विद ताइवान, जाहिर सी बात है चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर कोई देश ताइवान से अगर अपने कुछ संबंध रखता है तो। इट्स पार्लियामेंट रिजोल्यूशन ऑन उइगुर्स, तो जाहिर सी बात है अगेन चाइना को ये पसंद नहीं आएगा कि अगर कोई दूसरा देश उइगुर्स पे अगर कोई किसी भी तरह का रिजोल्यूशन किसी की पार्लियामेंट पास कर रही है तो। इसके अलावा चाइनीज सैंक्शंस ऑन लिथुआनियन एंड EU पॉलिटिशियंस, ऑब्वियस सी बात है अब लिथुआनिया के जो लोग हैं उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो द 17+1 इनिशिएटिव इज अ चाइना लेड फॉर्मेट। सबसे पहले अब 17+1 है ना, वो जो करंट की बात थी वो हमने देख ली क्या था, अब आ जाते हैं 17+1 इनिशिएटिव में, उसके बारे में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने चाहिए। तो 17+1 इनिशिएटिव क्या है, सबसे पहले जानना है चाइना लेड फॉर्मेट है सबसे पहला। कब इसका फाउंडेशन हुआ था, तो 2012 में कहां पे, बुडापेस्ट में, सबसे पहले तो ये जान लीजिए चाइना लेड है। ठीक है, 2012 में फाउंडेशन हुआ बुडापेस्ट में। क्या इसका उस समय एम रहा होगा, तो विद एन एम टू एक्सपेंड कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर कंट्रीज। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि चाइना की ये भरपूर कोशिश है कि कम से कम ईस्टर्न यूरोप और जो मिडिल यूरोप है उसको अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसी कोशिश का एक ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीईई रीजन। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स 12, अभी इस जो 17+1 इनिशिएटिव था या है उसमें कौन कौन है, तो इसमें 12 जो है वो EU मेंबर स्टेट्स हैं, तो 12 हो गया, 5 बाल्कन स्टेट्स हैं, तो 12 और +5 17 हो गया, है ना, और 17+1, तो 17+1+1 कौन है, तो चाइना है। ठीक है, और वो जो 12+5 की जो हम लोग बात अभी कर रहे हैं ना, उनकी लिस्ट जो है ये आपके सामने दी है। ठीक है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एवर समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज रिसेंटली होस्टेड बाय, बड़ा ही विवादास्पद और बड़ा ही न्यूज में रहने वाला अभी हाल ही में ये समिट हुआ था, और शायद आप जानते भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है USA की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज देख लीजिए, US प्रेसिडेंट जो बाइडन होस्टेड द फर्स्ट एवर समिट फॉर डेमोक्रेसी, इसका नाम था समिट फॉर डेमोक्रेसी, इट वॉज 2-day वर्चुअल समिट था, फॉर विच इंडिया वॉज एन इन्वाइटेड, इंडिया को भी बुलाया गया था, मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया वर नॉट इन्वाइटेड टू दिस समिट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी किसे नहीं बुलाया गया था, तो चाइना और रशिया को। प्रिंसिपल थीम यहाँ पे कौन कौन से थे, तो 3 principles theme थे यहाँ पे, 3 principal themes कौन कौन से, पहला था डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, जो कि यूएसए बार बार क्लेम करता है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां की ऑथोरिटेरियनिज्म चल रहा है, दूसरा है एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, और तीसरा है एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। चलते हैं 7th question की तरफ। 7th question है reference to, मतलब consider the following statements with reference to India Central Asia dialogue, अगेन न्यूज में था। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग वाज हेल्ड इन समरकंद इन 2019, ये पहले की बात की जा रही है, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद लिखा गया थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग वाज रिसेंटली हेल्ड एट अस्ताना। मेरे ख्याल से अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो समझ में गए होंगे, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो जरूर क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि अस्ताना में नहीं हुआ था, बल्कि कहां पे हुआ था, तो देखिए थर्ड मीटिंग वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। इसमें किसने किसने भाग लिया था, मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और अगर आपको याद हो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसी डिट्टो इसी टाइम पे पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करवा ली, और वो एक तरह से एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब वो पहले से निर्धारित नहीं था कॉन्फ्रेंस, OIC की उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई, और हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि उन लोगों ने क्यों करवाया, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मकसद ये था कि ये जो फॉरेन अफेयर्स, ये जो है ये सेंट्रल एशिया के जो हमारे यहाँ आए थे उस समय, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के, इनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, इनको किसी तरह से पाकिस्तान की कोशिश थी कि इंडिया में ना जाए, है ना, तो उन लोगों ने उसी समय OIC की मीटिंग बिठा ली। क्यों? क्योंकि OIC के ये पांचों के पांचों, ये जो देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पांचों उसके भी देश है, मतलब ये पांचों उसके भी मेंबर्स हैं OIC के भी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि किसी तरह से हमारा ये जो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है इसको सेबोटाज किया जाए, इसको नुकसान पहुंचाया जाए, इसको तहस नहस किया जाए, लेकिन उसकी मंशा बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई, और ये पांचों देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे वो पांचों के पांचों हमारे यहाँ आए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन स्टॉकहोम, ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट। उसके बाद है रशिया एंड द US टुगेदर पजेस ओवर 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए फिर से एक और एग्जांपल वैसा ही, जिसमें कि एक क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बेसिक है, दूसरा करंट का है। क्यों ये क्वेश्चन हमारे सामने है, क्योंकि ये जो हम लोग बोल रहे हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री भी कहा जाता है, इसकी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो उसी से ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं, रिसेंटली सिप्री रिलीज्ड इट्स ईयर बुक 2021, क्या क्या उसमें बताया गया है। तो इंडिया पजेस्ड एन एस्टिमेटेड 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2021, कंपेयर्ड विद 150 एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल की तुलना में 2021, मतलब 2021 से एक साल पहले की तुलना में कितने थे हमारे पास वॉरहेड्स, अगर 2021 में शुरुआत में देखा जाए तो 156 और उससे पहले 150 थे, इसका मतलब वॉरहेड्स हमारे बढ़े हैं 6। उसी तरह से पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी वही सिलसिला रहा, पहले इनके पास 160 था, अरे 2021 आते आते इनके पास 165 हो गए। चाइना का भी वही हाल रहा, बल्कि चाइना में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया है कि 2020 में 320 थे, जबकि 2021 आते आते इनके 350 वॉरहेड्स हो गए, मतलब 30 का इंक्रीज हुआ। इसी में सिप्री की रिपोर्ट में यह भी स्टेटमेंट बताया गया था कि रशिया एंड द US टुगेदर पजेस्ड ओवर 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन में दिया गया। अबाउट सिप्री देख लीजिए भाई, बेस्ड इन स्टॉकहोम, सबसे पहला ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। सिप्री है क्या, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इसको ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, डेडिकेटेड टू क्या, इसका काम है डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, ये इसका काम है। कब इसकी स्थापना की गई थी, 1996 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिप्री क्या करता है, तो सिप्री प्रोवाइड्स डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड मीडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेंटली द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अभी हाल ही में हुआ, हाल ही में संपन्न हुआ, पहला था, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एग्जामिनर का जरूर इस पे ध्यान जाना चाहिए, यह जाएगा क्वेश्चन, आप हो सकता है आपके सामने मिल जाए। तो फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई, मतलब कौन, किसने उसकी अध्यक्षता की, तो हम लोग बोलेंगे इंडिया हैज चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, बस इतना ही, हमें इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ इंपॉर्टेंस इसकी इससे है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ब्रिक्स से ही एसोसिएटेड है, हो सकता है कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मन कर रहा है बनाने का और उसे ये अच्छा नहीं लगा कि भाई फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप
वो इस पे क्वेश्चन ना बनाए तो हो सकता है ब्रिक्स पे आ जाए। ठीक है, तो चलते ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, पूछा गया इनकरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, फोर्टालिजा 2014 में जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की, उसके सामने लिखा गया है कि एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब ये उसकी खासियत रही, क्या ऐसा हुआ था ये आपको बताना है, है ना। इसके बाद फोर्टालिजा 2014 फिर से, मतलब उसी बैठक में कुछ और भी हुआ था क्या, ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, क्या इस पर भी सहमति बनी थी। इसके बाद देखिएगा तीसरा बोला गया है ब्राजीलिया 2010, इसमें बोला गया साउथ अफ्रीका फॉर्मली ज्वाइंट एसोसिएशन मेकिंग एट ब्रिक्स, क्या ऐसा हुआ था क्या। अब आपके सामने तीन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है ना, क्वेश्चन आपसे इनकरेक्टली मैच्ड पूछा गया। ठीक है, तो आंसर हमारे पास डी है, इसका मतलब इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, मतलब तीनों के तीनों सही है। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे आप लोग, ठीक है, इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लैंडमार्क एक तरह से बैठकें थी या कॉन्फ्रेंसेस थी। ठीक है, सबसे पहले याद करिएगा फोर्टालिजा जो था, फोर्टालिजा एक जगह का नाम है, 2014 में वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस की खासियत क्या थी कि इस कॉन्फ्रेंस में दो चीजें हुई थी। सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था किस पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने पे, पहला, और दूसरा क्या था, दूसरा एग्रीमेंट बना था किस पे, तो कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाने पे। तो ये दो चीजें हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ब्राजीलिया 2010, मतलब चार साल और पहले जाएंगे, तो यहाँ पे जो ब्रिक था ना, इससे पहले ब्रिक हुआ करता था। ठीक है, जो ब्रिक ब्रिक्स हुआ, मतलब BRIC से जो ब्रिक्स बना, पहले BRIC था, 2010 में ये ब्रिक जो है ये ब्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, एस जो इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारे लिए। बाकी ब्रिक्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख ली जाए कि ब्रिक्स जो है एक्रोनिम है, फाइव इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, आप जानते ही होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ब्रिक समिट जो था वो कब हुआ था, 2009 में येकाटेरिनबर्ग रशिया में। 2010 देखिएगा, 2010 में साउथ अफ्रीका फॉर्मली ज्वाइंट एसोसिएशन मेकिंग इट ब्रिक्स। इसके बाद देखिएगा सिक्स्थ ब्रिक्स समिट जो थी फोर्टालिजा 2014, इसमें क्या हुआ था, एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद देखिए 2014 में ही ब्रिक नेशन साइंड ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इन 2014। ठीक है, ब्रिक कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट या CRA क्या है, ये बेसिकली है, इट एम्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स थ्रू करेंसी स्वैप्स टू हेल्प मिटिगेटिंग BOP क्राइसिस सिचुएशन। इसका मतलब है कि इन पांचों में से किसी में भी अगर मान लीजिए अगर क्राइसिस सिचुएशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, तो ऐसे में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का सहारा लिया जा सकता है, और वो क्या करेगा, ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी उसे प्रदान करेगा उस देश को। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट वन, और इसी तरह से हम लोग अभी अगले हम लोग 49 पार्ट्स और करने वाले हैं। ठीक है, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़े आप लोग, और इसको फॉलो करते रहिएगा, जरूर कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको अच्छा मिलेगा। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।